आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के साथ उत्तर प्रदेश में संक्रमण रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर महाअभियान शुरू किया गया है। इस मुहिम के तहत अब 31 जुलाई तक प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश के अन्य शहरों की घाटी ताजनगरी में भी लोगों को संचारी रोग से बचाने के लिए संचारी रोग अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर आगरा कॉलेज खेल मैदान से सुभाष पार्क तक एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली को बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर आगरा कॉलेज ग्राउंड से सुभाष पार्क के लिए रवाना किया। इस जन जागरूकता रैली में सामाजिक संस्थाएं, सरकारी विभाग, स्कूली छात्र के साथ साथ WHO और यूनिसेफ के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान टीम का उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर RC पांडे भी मौजूद रहे। ये 1 तारीख से प्रारंभ होकर ये 31 जुलाई तक हमारा अभियान चलेगा। इस अभियान को कई चरणों में बांटा गया है, जिसमें अन्य सभी 10-11 विभागों के समन्वय से ही किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज, ग्राम विभाग, बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग तो इसका नोडल है। इसमें हमारी आशाएं घर घर जाकर लोगों को देखेंगी, किसी को कोई बीमारी हो, कोई बच्चे बीमार हों, बुखार की तकलीफ हो तो उन्हें दवा भी देंगी, और साथ में अगर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है, TB के लक्षण होते हैं, तो उनको लाइन लिस्टिंग कर हमारे यहाँ भेजेंगी, ताकि हम दोबारा अपने कर्मचारियों को भेजकर हमारे यहाँ से जो जाते हैं उनके बलगम की जांच करा के और TB की जांच भी करेंगे और TB का इलाज भी हो जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण, ये संचारी रोग बहुत कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं। कोविड भी उसी एक श्रेणी का एक रोग है, और जिसमें इन्फ्लुएंजा, आपके डेंगू वगैरह, मलेरिया आदि इसी टाइप के रोग हैं। इसको रोकथाम के लिए और इसके जन जागरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज शिक्षा और चिकित्सा विभाग ने मिलकर एक रैली निकाली है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा यहाँ के आगरा के चिकित्सा विभाग को, और इससे जन जागरण होगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंशन के लिए, जन जागरण के लिए रैली है और इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 12 से 25 जुलाई 2021 तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दिमागी बुखार के नियंत्रण में प्रभावी भूमिका अदा करने वाले दस्तक अभियान में इस बार फाइलेरिया का MDA कार्यक्रम और क्षय रोग के चिन्हीकरण का भी कार्य किया जाएगा। इसके अंदर टीम जो टीकाकरण वाली टीमें हैं, 120 तो शहर के क्षेत्र में काम करेंगी, 300 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगी। हम ये मान के चलें कि हमारा शहरी क्षेत्र में 1 पार्षद के पास एक टीम अवश्य होगी, और जितनी अस्पतालों पर चल रही थी स्थिर टीमें वो तो चलती ही रहेंगी। संचारी रोग अभियान के अनुसार जो है वो साफ सफाई विशेष जोर रहेगा। दस्तक अभियान में हमारी आशा और आंगनबाड़ी घर घर जाकर के दस्तक देंगी, और वहाँ घर में कोई भी ILI का पेशेंट या बुखार का या TB का रोगी है या जो है कुपोषित बच्चे हैं, उनका जो है उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार करेगी घर से पूछ करके, और वो लाइन लिस्ट जो है जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर जो है उसकी स्क्रूटनी करके जो है उनकी जाँच और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर अग्निहोत्री और डॉक्टर RK दीक्षित ने यह जानकारी देते हुए अवगत कराया कि इस बार के अभियान में गत वर्ष 2020 में संचालित की गई सभी गतिविधियां शामिल रहेंगी। इस बार दस्तक अभियान में ग्राम निगरानी समिति, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करेंगी। निगरानी समिति के पास इस बार बच्चों के लिए बनाई गई कोविड किट उपलब्ध रहेगी। इस किट में उपलब्ध दवाइयों को कोविड के अतिरिक्त अन्य बीमारियों जैसे बुखार आदि में भी प्रयोग किया जा सकेगा। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।